निकिता शुक्ला। अगले साल 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में बीजेपी की असली परीक्षा होने वाली है, लेकिन उससे पहले हाल ही में हुए 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजों के बाद पार्टी पर अपनी सफलता दोहराने का दबाव बढ़ गया है, खासकर गुजरात में, क्योंकि यहां 2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं और सवाल उभर रहा है कि क्या बीजेपी 2019 चुनावों में एक बार फिर गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर पाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने की वजह से यहां बीजेपी की इज्जत दांव पर लगी हुई है और पार्टी पर इसका दबाव साफ नजर भी आ रहा है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने गुजरात आए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजकोट में हिंदू संतों से मुलाकात की, और मुलाकात का सबसे बड़ा कारण चिंता थी कि गुजरात में क्या होगा और अगर गुजरात में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, और इसीलिए मोदी और शाह चुनाव से पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2019 चुनाव में गुजरात की जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद देती है या नहीं।